नमस्ते दोस्तों, गीतांजलि की दुनिया में खूब खूब स्वागत है आपका। आज कुछ नया बनाते हैं, चलिए बेसन के लड्डू बनाते हैं, प्रसाद में चढ़ते हैं। वैसे भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और पौष्टिक भी होते हैं, मार्केट जैसे नहीं दोस्तों, मार्केट से भी अच्छे। तो आप, क्योंकि घर में जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं वो बाज़ार में नहीं होती है, तो कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें देसी घी डाल लेंगे। 2 टेबल स्पून देसी घी डाला है दोस्तों। जिस कप से बेसन लेंगे आप, उसी कप से 1 कप घी अलग निकाल के रख लीजिए, उससे थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, 1/2 कप भी नहीं डाला, उससे कम डाला है। और इसको, घी को मेल्ट हो जाने देंगे, बस घुल जाएगी, बहुत खौलाएंगे नहीं। अब इसमें बेसन आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके घर के आसपास हो। 1 कप बेसन पहले डालेंगे, 3 कप बेसन डालना है तो 1 कप डालेंगे पहले, इसको मिला लेंगे जिससे इसमें गाँठें ना पड़े। फिर ये घुल जाएगा और ये जो छोटी छोटी गाँठें हैं भी, ये सब घुल जाती हैं, आप परेशान मत हो। बस इसको अच्छे से मिला लें, क्योंकि 1 साथ बेसन डालेंगे तो मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए अब ये मिला लिया। अब 2 कप बेसन डाल देंगे। तो कह रहे थे कि जो भी आपके घर के पास बेसन जैसा भी मिलता हो, आप वही लेके उसी से बना सकते, पैकिंग वाला, खुला, जो भी। अब इसको भी मिला लेंगे, जब ये भी मिल जाएगा तब 3 कप बेसन का डालेंगे। इससे थोड़ी चलाने में आसानी रहती है और घी भी सब जगह अच्छे से मिल जाता है। ये 3 कप बेसन का है, 3 कप बेसन हो गया। अब इसको लगातार चलाएंगे और गैस को लो टू मीडियम रखेंगे और इसको छोड़ना नहीं है, ऐसे थोड़ा दबा दबा के चलाएं, क्योंकि बेसन है दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि गांठे पड़ी रहेंगी तो खुलेंगी नहीं। आप इनको हल्का सा प्रेस कर दीजिए, घी और बेसन ही तो है, गांठ खुल जाएगी। अब देखिए इसका टेक्सचर इस तरीके का हो गया, बिल्कुल रवे की तरह ऐसे सॉफ्ट चल रहा है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा कलर इसका चेंज भी होने लगा है, अभी देखिए बहुत हल्का है कि, लेकिन अभी भून के तैयार नहीं हुआ। अब इसमें घी डालेंगे, थोड़ा घी, देखिए बीच में जगह करके। अगर आपको कलर डालना हो, किसी ओकेज़न के लिए बना रहे हो, कलर डालना हो, कोई आने वाला हो, तो कलर भी आप जहाँ घी डाल रहे हैं इसमें कलर भी डाल सकते हैं, या थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला है कुछ भी, अब बस घी को 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया। अब इसको चलाते रहेंगे। अब दोस्तों ये टाइट हो जाएगा, तो ये देखिए चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर ये दोस्तों अच्छा साइन है, क्योंकि ये भुनने के प्रोसेस में आगे बढ़ चुका है। अभी देखिए, अब ये चलाते चलाते सॉफ्ट होने लगेगा, घी छोड़ने लगेगा। ये देखिए हल्का हल्का सा मेल्ट हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए हल्का हल्का सॉफ्ट हो गया। ये देखिए और घी ऊपर ऊपर हल्का हल्का दिखने लगा। ये देखिए, आप देख रहे हैं घी ऊपर ऊपर दिखने लगा है। अब दोस्तों ये बेसन तैयार है, ये देखिए बिल्कुल घी अलग और बेसन अलग बिल्कुल हो गया है। कई बार महक समझ में नहीं आती, पर आप घी के, बेसन के टेक्सचर से आप वीडियो देख के समझ पाएंगे कि कब भुन पाया। अब दोस्तों गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा, कढ़ाई में लग जाएगा।
और इसको 10 मिनट ठंडा होने रख देंगे। अब जब तक बेसन ठंडा हो रहा तब तक ये खरबूजे के बीज हैं, तो इनको भी आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो इन खरबूजे के बीजों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जिसमें ये फूल जाए, बहुत ज़्यादा जलाएंगे नहीं, बस हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, ये फूल जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से पैन में कर लें और बेसन को भी बिल्कुल ठंडा नहीं होने देंगे। ये देखिए ये भुन गए। अब देखिए बेसन को बिल्कुल हाथ से छू के देखेंगे, बस जितना छूते बने, बस बिल्कुल ठंडा नहीं होने देंगे। अब इसमें बूरा डालेंगे, तगड़ जिसको बोलते हैं, ये डालेंगे। 2 कप डालेंगे, 3 कप बेसन है तो 2 कप तगड़ या बूरा बोलेंगे वो डालेंगे, और इसको अच्छे से मिलाएंगे खूब। इसको तब तक मिलाएंगे जब तक बूरा भी बेसन के कलर का नहीं हो जाएगा, बिल्कुल एक रंग लगने लगेगा बेसन और बूरा का, मतलब तगड़ का। अब देखिए 2 कप डाला है, 1 कप पहले डाला था बूरा, अब 1 कप और डाल दिया तगड़। तगड़ बूरा एक ही चीज़ को बोलते हैं, और इसमें ये बीजे डाल दिए। अब इसको हाथ से अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि स्पैचुला से नहीं मिलाते बनता। अब इसको हाथ से खूब रगड़ के अच्छे से मिलाएंगे जिसमें बेसन और बूरा का कलर्स एक हो जाए बिल्कुल, और हल्का हल्का गुनगुना भी है। अगर आप बिल्कुल ठंडा कर देंगे तो फिर वो बेसन और बूरा दोनों आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे, और आपका बेसन अलग समझ में आएगा और बूरा अलग समझ। अब इसको दोस्तों बांध देंगे अच्छे से। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें डालें दोस्तों। अगर आप इस प्रोसेस को ठीक देख के ठीक से फॉलो करेंगे तो आपके बेसन के लड्डू बिल्कुल भी इसी तरीके से बनेंगे। अब इस तरीके से सब बांध लेंगे। 3 कप बेसन, 2 कप बूरा में ये 12 लड्डू बने, यानी 1 कप बेसन में 4 लड्डू बनेंगे। आप इसी मेजरमेंट में जितने आपको कभी लड्डू बनाने हैं तो आप इतना ध्यान रखें, 1 कप बेसन में 4 लड्डू बनते हैं। तो दोस्तों आपको प्रोसेस पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बनाइए और बताइए कैसे बने आपके लड्डू। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं गीतांजलि की दुनिया में किसी नई चीज़ के साथ। नमस्ते।